प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में एक जबरदस्त डिबेट, जहां पे आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे हरिमोहन जी और रोहित शर्मा भाई, और दूसरी ओर आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगी पत्रकार आरजू कासमी जी और उनके साथ होंगे मुजफ्फर चौधरी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पर डिस्कस करने वाले हैं। भारत का एक जहर उगलने वाला मौलाना तो नहीं कहूंगा, स्कॉलर कहूंगा, इस्लामिक स्कॉलर, जिसके ऊपर बांग्लादेश की तरफ से एलिगेशन ये थे कि उसके सरमन से मोटिवेट होकर कुछ लड़कों ने बांग्लादेश के एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट कर दिया। जब उनको पकड़ा गया तो अच्छे खासे घरों के लड़के थे, पढ़े लिखे लड़के थे, लेकिन इसके प्रवचन सुन के, सरमन सुनकर वो इतने मोटिवेट हुए कि उन्होंने हर उस जगह को खत्म करने का प्लान बना लिया, या यूं कहें कसम खा ली कि जो उन्हें इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं लगती थी। हालांकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इसके काउंटर में ये भी कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा बंदा है जो उल्टे सीधे फैक्ट्स कुरान को अलग तरीके से डिस्क्राइब करके रखता रहता है, और कहीं ना कहीं इसकी बहुत सारी गलतियां हैं जिसे छिपा जाता है। खासकर हमारे इंडिया में जो बहुत सारे मौलाना जो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए, उन्होंने एक बात ये कही कि ये जो जाकिर नाइक है, ये असलियत में खासकर जिहाद के मामले में जब ये कहता है कि अप्रोक्सीमेट 25 ऐसी आयतें हैं जो कि जिहाद के बारे में डिस्क्राइब करती हैं और काफिरों को मारने का ऑर्डर देती हैं, तो कुछ मौलानाओं ने और कुछ स्टूडेंट्स ने घेर लिया और कहा लिख के दिखाओ, 2, 4, 10, 5 ही बता दो, तो इससे पेन और कॉपी नहीं पकड़ी गई। लेकिन गलत सही, गलत फैक्ट या सही फैक्ट, वो बाद की बात है। बोलता इतने कॉन्फिडेंस से है, और क्योंकि अरबी में कुरान को पढ़ने की एक पढ़ा जाता है, और कुरान पढ़ने वालों को ज्यादातर को अरबी नहीं आती, और वही हलवा वाला इंसिडेंट है कि सूंट के ऊपर हलवा लिखा था और भीड़ पीछे पड़ गई कि तुमने कुरान की कोई आयत सूंट पे कैसे लिख ली, पाकिस्तान का मामला है। तो अब हम इसी चीज पर डिस्कशन करने के लिए अपने पैनलिस्ट को बुलाया है मैंने, और डिस्कशन सिंपल सा है। पहले ही पाकिस्तान में क्या कम जहर है जो और घोलने के लिए एक और जहरीले को बुला लिया? इसके लिए स्वागत करेंगे आरजू जी का पाकिस्तान से। आरजू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया। मुजफ्फर अली चौधरी जी का, मुजफ्फर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित शर्मा जी का, पाकिस्तान से ही है वैसे भी, तो चलो ठीक है इंडिया से मान लेते हैं। रोहित शर्मा जी आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आरजू जी आप इसे शुरू करते हैं, क्या पाकिस्तान में रेडिकलिज्म कम पड़ गया था जो जाकिर नाइक को बुलाकर उसे थोड़ा बढ़ाना है, या कोई और प्लान है? सर आपसे किसने कहा कि यहाँ पर कुछ इस किस्म के लोग या ऐसा जहर कम हो गया है इसलिए जाकिर नाइक को बुलाया? ये भी तो हो सकता है कि वो रिफिल करने के लिए आया हो और उसने सोचा होगा वो यहाँ से आके थोड़ा जहर लेके चले जाए। That's a good one. हमें अभी तक पता नहीं कि वो आए क्यों है, इसलिए हमारे तो इतना है कि हम बड़ी बड़ी, अर्जु जी ने बड़ी अच्छी बात की कि जहर किस में ज्यादा ये देखना पड़ेगा कि हम में ज्यादा है या जाकिर नाइक में ज्यादा है। नहीं, डेफिनेटली जाकिर नाइक में इतना नहीं होगा, हो सकता है कि वो रिफिल के लिए आए हो कि खत्म हो रहा है, मलेशिया में मिल नहीं रहा तो सोचा होगा चलो पाकिस्तान से थोड़ा सा लेकर आ जाऊं। तो बहरहाल मैं तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे तो बहुत बुरा लगा कि इनको इनवाइट किया गया है और एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किया गया है और गवर्नमेंट के लोग जाकर रिसीव कर रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, अगर कोई एजुकेशनिस्ट आता, कोई इकोनॉमिस्ट आता, कोई ऐसा आता टाटा बाटा अंबानी टाइप का, या कोई किसी भी कंट्री का कोई बिजनेस कमिटी का कोई ऐसा आता जो हमें ये बता सकता कि हम अपनी प्रॉब्लम्स में से कैसे निकल सकते हैं, तो शायद मैं अप्रिशिएट करती और मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन इस वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इनके ऊपर जो खर्चा किया जाएगा, इन्हें जो होटल्स में रखा जाएगा, जो ये ट्रैवलिंग करेंगे एक शहर से दूसरे शहर, और उसके बाद जितने भी इनके खर्चे होंगे जो गवर्नमेंट उठाएगी, वो गवर्नमेंट के लोग अपनी जेब से नहीं देने वाले,
वो मेरे और मुजफ्फर साहब जैसे लोग जो हैं हमारे टैक्स के पैसे से उनकी खातिर होगी, और ये चीज जो है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बिल्कुल भी मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगी। मुजफ्फर भाई, अगला सवाल आरजू जी के ही शब्दों में आगे बढ़ाते हैं कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा उठाया। पहली बात तो उनका जो पंच लाइन थी वही हिला गई कि ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ज्यादा जहरीला है या जाकिर नाइक, आपकी नजर में कौन है? पहली बात। दूसरी बात, ये स्टेट गेस्ट इन्हीं को क्यों, जाकिर नाइक को ही क्यों? किसी इकोनॉमिस्ट, किसी बिजनेसमैन, किसी थिंकर, स्कॉलर, किसी और को क्यों नहीं? देखिए, प्रायोरिटी हमारी क्या है ये देखना होगा ना कि पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की प्रायोरिटी क्या है। हमारा देखें, अगर हम अपने रिलीजन की बात करें तो हमारे ये मौलाना या हमारे जो भी लोग हैं ये बताते हैं कि ये आप इस दुनिया के अंदर जब आए हो तो ये दुनिया आपके लिए आरजी है। तो जब बंदा किसी आरजी जगह पे जाता है तो वो उसमें इतने इकदाम नहीं करता कि हमें मिसाल ये दी जाती कि जी आप चंद दिनों के मेहमान हो यहाँ पर और असल जो आपका ठिकाना है वो आखिरत के बाद में है। तो हम फिर वो देखते हैं कि जी हमने आखिरत बनानी, दुनिया नहीं बनानी, हमने तालीम हासिल नहीं करनी, हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं करना, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करना, हमने लोगों को एजुकेट नहीं करना, अवेयर नहीं करना, हमने सिर्फ अपनी आखिरत बनानी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा तकरीबन 40 से 50 हज़ार मदरसे हैं, और जिसका हमें ना तो हमारी गवर्नमेंट को पता है कि वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है और कौन लोग वो पढ़ते हैं और पढ़ के वो क्या बनते हैं, ये ना आरजू जी जानती हैं, ना मैं जानता हूँ, और ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जानते हैं। हम सबको कुछ नहीं पता कि इससे तादाद ज़्यादा हो सकती है। अगर आप पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जाकर देखें तो मदरसों की तादाद आपको स्कूल की नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मदरसा जगह जगह पर नजर आएगा। और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या बनते हैं वो फिर आपको पता ही है कि बाद में वो किधर जाते हैं। तो यही वजह है कि हमारे जो जितने भी इस मुल्क के रहनुमा हैं या जो भी है वो हमेशा से इस्लाम को ही अपना बेसिक मानते हैं कि इस्लाम की वजह से ही वो चाहते हैं कि वोट बैंक। अब इसका क्रेडिट जो ये कह रहे हैं कि जी आरजू जी ने फरमाया कि जी हमारे जो स्टेट गेस्ट का उनको दर्जा दिया गया है और जो जो प्राइम मिनिस्टर के जो मशीर खास हैं वो जाकर उन्होंने रिसीव किया, तो ये क्रेडिट लेंगे। देखे जी हमने जाकिर नाइक को इनवाइट किया, और यहाँ पर ये नहीं, आप लोग तो देखते हैं कि जी हमने बिल गेट्स को इनवाइट किया, हमने दुनिया के जो कारोबारी लोग हैं उनको इनवाइट किया, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट जो लिया जाएगा ये लिया जाएगा जी जाकिर नाइक यहाँ पर आए हैं और हमारे वो मेहमान रहे हैं, और उसी बेस के ऊपर जो है वोट भी मिलेंगे। और मजे की बात यही है कि इसी बेस के ऊपर हमारी जो आवाम है बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। तो आरजू जी को अगर बुरा लग रहा है तो ये पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जिनको बुरा लग रहा है, उंगली पे आप गिन सकते हैं उनको, उंगली पे, यानी कि उनकी तादाद 100 में से होगी, 100 से नीचे नीचे होगी कि जिनको ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरीके से काम होना चाहिए कि लोगों खुशहाल हो, लोग एजुकेट हो, लोगों के पास जो मसाइल हैं वो हल हों। लेकिन मोस्टली लोग तो जो अपनी दुनिया में, अपनी धुन में, अपनी चीज़ों में मस्त हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, वो बहुत खुश हैं, वो एक्साइटेड हैं कि जी एक दुनिया का एक बहुत बड़ा जो लीडर है वो पाकिस्तान में आ रहा है और उसके ऊपर वो खुशियां मना रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये एक फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं। हालांकि उनको जब बताया जाता है कि जी इनका क्या अचीवमेंट है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दुनिया को, या इनके जो टीवी का जो एक चैनल का नाम है पीस टीवी, तो कौन सा ऐसा पीस है जो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पीस फ्राहम किया? जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश के अंदर जो बेकरी के ऊपर हमला हुआ था उसके अंदर 22 लोगों की जानें गई, और जो एक जो क्या नाम था उसका, रोहान नामी था, रोहान इम्तियाज नामी बंदा जो पकड़ा गया था, तो वो उसने ये बोला था कि जाकिर नाइक ने ये कहा था कि हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए। तो अगर जाकिर नाइक की तालीमात, उसकी जो सारी चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर बेस हैं कि हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, उसके लिए वो जो रेफरेंस देता है वो कुरान और हदीस के अंदर से निकाल कर देता है, और ये इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि हर पाकिस्तानी। अभी मैं मेरे पास एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी आया था जिसमें
पाकिस्तानी कौम को बल्कि पूरी दुनिया की उम्मा को ललकारा गया, उसकी गैरत को ललकारा गया कि देखें इसराइल जो है वो किस तरीके से कभी हिजबुल्ला के ऊपर अटैक कर रहा है, कभी वो ईरान के अंदर घुसकर वो लोगों को मार रहा है, कभी लिबनान के अंदर मार रहा है। इसी तरीके से बताया गया कि जी अब अगला जो काम है वो भारत करने वाला है। अभी ये जो काम जो इसराइल जो है जो अरब के अंदर या मिडल ईस्ट और दूसरे मुल्कों में कर रहा है, यही काम अब पाकिस्तान के साथ जो है वो इंडिया करने वाला है। तो गैरत करो, ये पाकिस्तानी कौम को जगाए। तो ये जाकिर नाइक को सारा का सारा ब्लेम करना कि जी जाकिर नाइक ही जो है वो जहाद को या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि जो गजवा हिंद करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लाल किले के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी झंडा जो है वो लहराया जाए या रातों रात कश्मीर के ऊपर अटैक करके कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी आप लोगों के नज़र से ओझल है, लेकिन उनके ऊपर आरजू जी भी अगर खुल के बात करना चाहे वो नहीं कर सकती और मैं भी नहीं कर सकता कि जो चीज़ें पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो आपस में लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं और वो सारे मामला हमारी नज़र से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उस खुल के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करना जाकिर नाइक को नहीं, हम जाकिर नाइक से कम नहीं है। हमारे यहाँ बिल गेट्स टपरी वाला की टपरी पे चाय पीते हैं और टपरी वाला वैसे ही एक स्टाइल के अंदर चाय बना के उन्हें पिलाता है, वो इंटरनेशनल न्यूज बनती है। आरजू काजमी भी उसको डिस्कस करते हैं और जहां तक मुझे याद है मुजफ्फर भाई ने भी शायद डिस्कस किया था कि बिल गेट्स इंडिया में सड़क पर बैठ के चाय पी रहा है, क्या पाकिस्तान में ऐसा कुछ सोचा जा सकता? आपने कहा कि क्या बिजनेसमैन कोई सोच सकता है, मैं कह रहा हूं क्या आप सोच सकते हैं कि बिल गेट पाकिस्तान में विजिट करे और बिजनेस डील के लिए विजिट करे? अब पोलियो के कतरों के लिए आता है। हाँ जी, पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हमें एड देने आता है और कुछ नहीं करता वो। पोलियो पिलाने और वो भी नहीं पीते मेरे ख्याल से, तो शायद उन्हें मार के भगा दिया जाता कुछ ऐसा। लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन असलियत में डिफरेंस ये कहां से क्रिएट हो जाता है रोहित भैया? और क्या ये ऐसा माइंडसेट है कि जाके बैठ के मतलब ये भी नहीं सोच पा रहे कि एक आदमी पूरी मुसलमान कौम को ही दहशतगर्द बनाने का प्रीच कर रहा है और उसे स्टेट विजिट पे बुलाया जाता है, राज्य का मेहमान बनाया जी? देखो एक चीज समझिए कि बिल गेट्स आया तो था पाकिस्तान, मैंने फोटोग्राफ देखे और उस फोटोग्राफ को फोटोशॉप करके उसमें से आईएसआई चीफ नदीम अंजुम की फोटो हटा दी गई थी कि ये नहीं बैठे थे, बाकी सारे कर रहे थे। खैर वो फोटो देखी थी, आए थे, हिलाले पाकिस्तान भी दिया गया, उन्हें अवार्ड दिया गया। क्यों ये सब होता है? क्यों? क्योंकि वो उससे कर्जा वर्जा भी ले रखा है, कुछ पैसा वैसा भी ले रखा है ना, तो उसकी थोड़ी अवगत तो होती है। ये समझने वाली बात है क्यों इन भाई साहब को बुलाया गया, क्योंकि ये एंटी इंडिया, सिंपल, और कोई रीजन नहीं है। इससे पहले कई एंटी इंडिया आदमी रखे थे, दाऊद इब्राहिम रखा हुआ था, अजहर मसूद रखा हुआ था, सैयद सलाउद्दीन रखा हुआ था, तौकीफ जलियांवाला रखा हुआ था, ये सारे थे। तौकीफ जलियांवाला तो बहुत बड़ा नाम था, पता नहीं शायद मर गया, वो दुबई में मरा, बहुत बड़ा नाम था और इंडिया उसको ढूंढ भी रहा था। ये सारे रख करके क्या मिला? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये डिबेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये डिस्कशन आपको काफी मजेदार लगा होगा, जहां पे आपने देखा भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों ने बात की जाकिर नाइक की, जो कि भारत के लिए एक भगोड़ा है और आजकल पाकिस्तान में जाके छिपा बैठा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।